प्रथम तहलका न्यूज। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद केंद्र की सरकार अब और भी ज्यादा सक्रिय हो गई है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। इस दौरान सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान सभी राज्यों ने अपने अपने इलाकों में कोरोना नियंत्रण में तेजी लाने के साथ साथ अधिकारियों और नागरिकों को एक साथ मिलकर काम करने की भी बात कही। बैठक में खास तौर पर ऑक्सीमीटर को लेकर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें मरीजों की 24 घंटे के अंदर अंदर ही ऑक्सीजन खत्म हो जाने से मौत हो गई। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस पर भी हरियाणा सरकार नजर बनाए हुए है और उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में जानकारी लेकर आगे बढ़ेगी। बड़े महत्वपूर्ण है जिसका टोटल मैं ये कह सकता हूँ जनसंख्या 4 करोड़ के आसपास की है, उसके अंदर किस प्रकार से प्रदेशों की तैयारी है, किस प्रकार से आने वाले दिनों में टेस्टिंग को और बढ़ाया जाएगा, जहाँ आईसीयू बेड्स की रिक्वायरमेंट है उनको कैसे और एक्सपैंड किया जाए, इसके ऊपर आईसीएमआर भी, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भी और प्रत्येक प्रदेश सरकार की ओर से भी अपनी बात रखेगी। मैं मानता हूँ कि हरियाणा अपने आप में रिकवरी की बात हो या फिर आज टेस्टिंग की बात हो, बेहतर कर रहा है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करना है और उसके ऊपर मुझे लगता है गंभीरता के साथ एक एक हमारा अधिकारी भी और नागरिक भी अपना पूरा साथ दे रहा है, मगर यही है कि किस तरीके से असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी ट्रेस किया जाए और सबसे ज़रूरी है कि जो हमारी टेस्टिंग हो रही है उसको कैसे बूथ लेवल पर हम बढ़ाए, ख़ास तौर पे ऑक्सीमीटर के माध्यम से बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन को रेगुलर हमें मॉनिटर करना पड़ेगा एटलीस्ट असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 3 ऐसे केसेज आए हैं जो असिम्प्टोमेटिक थे और 24 आवर्स के अंदर उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश के राज्यों में जो कदम उठाए गए हैं उसको हरियाणा मॉनिटर कर आगे बढ़ाए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अपने राज्य में कई जगह प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है, वहीं हरियाणा में भी जरूरत पड़ने पर प्लाज्मा बैंक भी बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के 5 जिले जिनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर और झज्जर रोड, सोनीपत शामिल है, यहाँ पर केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। अब तक हरियाणा सरकार करीब 90% तक इसमें कामयाब भी हो चुकी है। 5 जिले हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर और सोनीपत, जिनको दिल्ली के मैग्नीट्यूड पर हमें ट्रेसिंग और टेस्टिंग करनी पड़ेगी और मुझे लगता है 5 जिलों के अंदर जो सेंटर की रिक्वायरमेंट थी नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स की, वेंटिलेटर्स की, उसके अंदर 85-90% के बीच में आज भी हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए हैं। 2 ऐसे जरूर जिले हैं जिसके अंदर हमारी जो टेस्टिंग ऑफ पॉजिटिविटी है वो 1% से ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा है और वहाँ पर अब हमें टेस्टिंग और बढ़ानी पड़ेगी कि हम लोगों को टाइमली ट्रेस कर पाए और टाइमली ट्रीट कर पाए। केंद्र भी, तीनों प्रदेश सरकारें सिंक के अंदर अब काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों का ट्रेंड आया है, एक जो डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो हमारी हेल्थ टीम्स हैं वो अच्छी मॉनिटरिंग कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर सैनिटेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं जो उचित कदम उठाने चाहिए इस महामारी से बचने के लिए उनको। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में कोरोना के हालात को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जहां पर 10% पॉजिटिव कोरोना दर है। इन जिलों में जल्द ही नियंत्रण के लिए सरकार
कोरोना टेस्टिंग बढ़ाएगी और केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।